हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लासेस फॉर यू. आई एम योर मेंटर स्मृति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक फ्रॉम क्लास सिक्स चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स. सो हम पहले इसके कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं. जैसे हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि प्लांट्स क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं, जैसे हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, टाइप कितनी होती हैं प्लांट्स की. ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं. हमने स्टेम के बारे में पढ़ा था, हमने कुछ एक्टिविटीज़ करके देखी थी, लीफ के बारे में पढ़ा था और लीफ के पार्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं. हम एक्टिविटीज़ कर चुके हैं आयोडीन सोल्यूशन के साथ, चेक कर चुके हैं कि क्या पत्तियों में स्टार्च होता है. हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं. फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, रूट. अब हमें जो इस सेशन में करने वाले हैं, हम रूट के बारे में हम पहले जान चुके हैं एक्टिविटीज़ में, और अब कुछ रूट के टाइप्स से हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं यहीं से, एक्टिविटी 9 से. एक्टिविटी 9 में देखो कहा गया है, गो टू एन ओपन ग्राउंड. आपने ओपन ग्राउंड में जाना है, ठीक है, खुले मैदान में जाना है. वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोविंग, जहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स जो हैं आपके ग्रो कर रहे होंगे, उगे हुए होंगे. डिग आउट ए फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ. आपने क्या करना है, कुछ को डिग आउट, खोद करके निकालना है. वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व दैम. और आपने क्या करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, सॉइल से निकाल करके उनको धो करके, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना है. डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ दैम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 7.17a और एज इन फिगर 7.17. तो आपने ये पता करना है कि जो ये दो फिगर दी गई हैं आगे, क्या वो जो रूट्स आपने खोद करके जो निकाली है प्लांट की रूट्स, उनको धो करके अगर आप उनको चेक करोगे, देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो क्या वो इसी प्रकार की दिखाई दे रही हैं जैसे ए और बी फिगर में दिखाया गया है 7.17 के. तो देखिए क्या है फिगर में, ये आपको दिखाया गया है, ये रूट के टाइप हैं. ठीक है, रूट के टाइप क्या हैं, जैसे फिगर 7.17 में दिखाया गया है पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो पार्ट ए एंड पार्ट बी में देखिए, पार्ट ए जो है हमारा टैप रूट कहलाई जाती है. ऐसी जो रूट्स होती हैं ये टैप रूट कहलाई जाती है. देखो इसमें एक टैप यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारे टैप रूट. और फाइब्रस रूट्स जो हैं फाइबर के टाइप ही होंगे, जिसका कोई एक सिरा नहीं होगा. ऐसी रूट जिसका कोई एक सिरा नहीं होगा वो हमारी होंगी फाइब्रस रूट, और जिसका कोई एक सिरा होगा वो हमारी होंगी टैप रूट. ओके, नाम से ही पता लग रहा है इनका. आगे देखिए, फोर रूट्स ऑफ काइंड शोन इन फिगर 7.17a, द मेन रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट. तो इसमें मेन रूट को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट कहा जाता है. एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड द लेटरल रूट्स, और जो छोटी रूट्स होती हैं उनको हम लेटरल रूट्स कहते हैं. देखो जैसे इसमें दिखाया गया है, जो लेटरल रूट्स होंगी ये आपकी ये वाली होंगी जो साइड से निकली हुई है, ठीक है, और जो मेन होगी ना ये वाली, ये इसकी टैप रूट कही जाएगी. ओके, तो देखिए, प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव ए मेन रूट, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स. तो इसमें क्या होगी, आपकी कोई भी मेन रूट नहीं होती है, ठीक है, आपकी कोई भी मेन रूट नहीं होती है इसमें फाइब्रस रूट में, सारी ही सिमिलर दिखाई देती हैं, और इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फाइब्रस रूट बोला जाता है. सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इन टू टू ग्रुप्स. तो आपने क्या करना है, उन प्लांट्स को सेपरेट करना है, अलग कर लेना है दो ग्रुप में, इसी के अकॉर्डिंग कि कौन सी आपकी लेटरल रूट है और कौन सी आपकी फाइब्रस रूट है, कौन सी प्लांट की लेटरल रूट है और कौन सी की फाइब्रस रूट है, इसी के आधार पर आपने उनको ग्रुप कर लेना है. इन ग्रुप ए पुट दूस दैट हैव टैप रूट एंड इन बी दूस दैट हैव फाइब्रस रूट. ठीक है, इसी तरह से इनको ग्रुप कर लेना है. लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए. अब आपने जो ए आपने लिया है, जिसमें आपने लेटरल रूट्स लिए हैं, उसकी आपने क्या चेक करनी है, उनकी लीव्स को चेक करना है कि उसकी पत्तियाँ कैसी हैं. वट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, कि वो किस प्रकार की वेनेशन होती है उसमें, ठीक है, जो वेन्स का जो ढांचा होता है वो किस तरह का होता है,
वट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी, और बी ग्रुप के जो प्लांट्स हैं अब आपके जो फाइब्रस रूट्स वाले जो प्लांट्स हैं उनकी जो वेनेशन है वो किस टाइप की है, ठीक है, ये भी आपने चेक करना है उन पौधों के साथ। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन ए प्लांट आर रिलेटेड इन, तो क्या आपने ये नोटिस किया, अगर आप नोटिस करके देखोगे रूट्स को और जो लीव्स हैं उनके वेनेशन को अगर मैच करके देखोगे तो अभी देखोगे कि वो एक तरह से रिलेटेड हैं एक दूसरे से, जो वेनेशन होती है और जो उसका उसकी जो रूट्स टाइप होती हैं वो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, आर रिलेटेड इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे, एक बहुत ही रोचक रूप से वो एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। जैसे इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीव वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन एक्टिविटीज सो फार। देखो इसमें ही दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और ये भी दिखाई दे रहा है, इसमें वेनेशन क्या है, इसमें पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। तो इसी तरह से देखो टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीव्स वेनेशन, तो यहाँ पर नेम ऑफ प्लांट लिखना है आपने एक्टिविटी करने के बाद, जब आप कोई एग्जांपल लोगे टाइप ऑफ लीव वेनेशन लिखोगे यहाँ पे कौन सी वेनेशन है उसमें, और टाइप ऑफ रूट ये कौन सी टाइप की रूट है, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए वो जो है ऐसे ब्रिलियंट आइडिया, वो जो के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू नो वट काइंड ऑफ रूट्स ए प्लांट हैज़, ही नीड नॉट पुल इट आउट, ही जस्ट हैज़ टू लुक एट इट्स लीव्स। तो ये सब जानने के बाद कि लीव्स से हम जड़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, तो वो जो के पास एक आइडिया है कि हमें पौधों को उखाड़ने की खोल के निकालने की ज़रूरत नहीं है, उनकी जड़ों को हम पत्तियाँ देख के बता सकते हैं कि इनकी जो रूट्स हैं वो किस टाइप की होंगी, बता सकते हैं ईजीली, बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, है ना, जो फाइब्रस रूट्स होती हैं उनमें जो वेनेशन होगी वो पैरेलल होगी, इसी तरह से टैप रूट में जो होगी वो वैसी होगी, ठीक है। तो देखिए अब आगे आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ में क्या बताया गया है। वी हैव लर्नड दैट रूट्स अबाउट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा है, ठीक है, कि जो रूट्स होती हैं एब्जॉर्ब वाटर, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं, और पानी के साथ साथ वो मिनरल्स को भी सोख लेती हैं फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से ले लेती हैं। एंड द स्टेम्स कंडक्ट्स, और जो स्टेम होता है वो कंडक्ट करता है लीव्स तक और जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ तक इस वाटर को और मिनरल्स को, ठीक है, लेकर जाता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, और जो द लीव्स होती हैं उनका काम होता है कि वो खाना बनाती हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। दिस फूड ट्रैवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो ये फूड बनता है फोटोसिंथेसिस से लीव्स में वो क्या कर होता है, वो स्टोर हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, जो अलग अलग पार्ट हैं उनमें स्टोर हो जाता है प्लांट के, ठीक है। We eat some of these as roots, हम इनमें से कुछ को खाते हैं as a root, जड़ों के रूप में खाते हैं, like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. तो ये जो है ये हमारे parts हैं plant के as a root, इनको हम खाते हैं, ठीक है। आगे देखिए we also eat many other parts of a plant where food is stored, तो हम प्लांट के और भी अदर पार्ट्स को भी खाते हैं जहाँ पर फूड बनता है, स्टोर होता है, ठीक है, संग्रह होता है जहाँ पर फूड का। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक ए स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक, तो क्या आप इस से एग्री करते हो कि जो स्टेम होता है वो एक टू वे ट्रैफिक की तरह कार्य करता है, बिल्कुल करता है, एक ऐसी स्ट्रीट जहाँ पर टू वे ट्रैफिक है। Write the name of material that goes up in the stem and that which comes down, तो आपने material का नाम बताना है कि कौन सा material जो है plant में stem में क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर नीचे की तरफ आता है। तो ऊपर की तरफ हम जान चुके हैं पानी के साथ हमारा मिनरल जाते हैं
और ऊपर से नीचे की तरफ जो है फोटोसिंथेसिस से जो लीव्स ने जो खाना बनाया है, जो भोजन बनाया है, वो प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से जो स्टेम पार्ट होता है वो टू वे होता है, टू वे स्ट्रीट होती है। ठीक है, अगर देखिए जो स्टेम एज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट, तो ये टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट की तरह कार्य कर रहा है जो हमारा स्टेम है। देखिए आप देख पा रहे होगी यहाँ से पानी छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा ये, तो यहाँ से क्या है पानी हमारा क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लांट के हर एक पार्ट में जा रहा है जड़ों से होते हुए। ठीक है, और जो पत्तियाँ खाना बना रही हैं वो इसी से होते हुए जो है वापस पौधे के हर एक पार्ट में जा रहा है। ठीक है, तो ये टू वे ट्रैफिक ही तो हुआ ये। ठीक है, सिंगल रोड टू वे ट्रैफिक है ये, स्ट्रीट है। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेक्शन, अपने नेक्स्ट सेक्शन में वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। तो अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं अब सेक्शन में। तो देखिए फ्लावर के बारे में क्या है, यू आर शोन थ्री ब्रांचेज ऑफ ए रोज, आपको तीन ब्रांचेज दिखाई गई हैं रोज की, ए बी एंड सी। इन फिगर 7.19 ए बी एंड सी, विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकोगनाइज द प्लांट, इनमें से कौन सा जो पार्ट है, ठीक है, वो कौन सा ब्रांच जो है आपको हेल्प करेगा कि आप प्लांट के बारे में जान पाएँ कि कौन सा प्लांट है, उसको पहचान पाएँ, उसको रिकोगनाइज़ कर पाएँ। तो ये ऑब्वियसली थर्ड वाला करेगा, क्योंकि इसमें फूल पत्तियाँ भी होंगी तो आप इज़िली बता पाओगे कि ये कौन सा प्लांट है, जबकि स्टेम से हम ये नहीं बता पाएंगे ये कौन से पौधे की स्टेम है। ठीक है, तो देखिए आगे, ये हमारा रोज़ है 7.19 में, रोज़ ए लीफलेस ब्रांच, जो ए पार्ट है उसमें लीफलेस ब्रांच है, इसमें कोई पत्तियाँ नहीं है, ए ब्रांच विद लीव्स, दूसरे पार्ट में पत्तियाँ लगी हुई हैं, ए ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर, तो जो पार्ट जिस पार्ट में फ्लावर और लीव्स दोनों चीज़ें होंगी उसको जल्दी से रिकोगनाइज कर पाएंगे। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19 सी, तो 7.19 सी में आपने कौन सा कलर जो है वो यूज़ किया था, ठीक है, उपयोग किया इसमें। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, क्या हर एक फ्लावर जो है कलरफुल होता है, रंगीन होता है। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गवावा, तो क्या आपने कभी फ्लावर देखे हैं कि घास के ऊपर, वीट के, गेहूं के फ्लावर को देखा है आपने कभी, मेज़े के मक्का के, मैंगो के या फिर गवावा के फ्लावर को आपने कभी देखा है, उनका फूल कैसा होता है। आर दूज ब्राइटली कलर्ड, क्या वो सारे क्या है ब्राइटली कलर के होते हैं। लेट अस स्टडी ए फ्यू फ्लावर, तो चलो हम कुछ फ्लावर्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, देखते हैं कुछ फ्लावर के स्टडी करके। देखिए व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, जब आप इनकी स्टडी करने वाले हो तो आपने मैरीगोल्ड को, ठीक है, चूज नहीं करना है। एक सेकेंड, क्रायसैंथेमम, ठीक है, क्रायसैंथेमम को भी, ये जो प्लांट है आपने इसको भी चूज़ नहीं करना है, इस फ्लावर को भी चूज़ नहीं करना है, और सनफ्लावर को भी चूज़ नहीं करना है। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर बट ग्रुप्स ऑफ फ्लावर, तो आप बड़ी क्लासेस में जानोगे कि जो मैरीगोल्ड है, क्रायसैंथेमम है और जो सनफ्लावर है, ये सारे हमारे सिंगल फ्लावर नहीं होते बल्कि एक ग्रुप होता है फ्लावर्स का। ओके, तो इसीलिए हम इनको यूज़ नहीं करते हैं जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं फ्लावर्स का। तो देखिए एक्टिविटी 10 में क्या है, वी वुड रिक्वायर वन बर्ड एंड टू फ्रेश फ्लावर्स इच, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक बर्ड और टू फ्रेश फ्लावर चाहिए होंगे। ठीक है, ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, दतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, तो हम इनमें से कोई भी फ्लावर ले सकते हैं जिसमें एक बर्ड हो और क्या हो, दो आपके फ्रेश फ्लावर लगे हुए हों, जैसे दतूरा का ले सकते हैं, चाइना रोज़ ले सकते हैं, मस्टर्ड ले सकते हैं, ब्रिंजल ले सकते हैं, लेडी फिंगर ले सकते हैं और गुलमोहर, इन सभी प्लांट्स के हम फ्लावर्स को ले सकते हैं। ऑल्सो ए ब्लेड, एक ग्लास स्लाइड और ए शीट ऑफ पेपर, आपने
हम आपने इस एक्टिविटी को करने के लिए, 10 को करने के लिए एक प्लेट चाहिए होगा, एक ग्लास स्लाइड चाहिए होगी और एक शीट ऑफ पेपर चाहिए होगा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, एक मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर वाटर चाहिए होगा हमें इसको। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। आपने अब ये फिगर जो है आपको दी गई है आगे 7.20 के, इसको ध्यान से देखना है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। आपने जो प्रोमिनेंट पार्ट है फ्लावर की उनको अच्छे से देखना है। तो देखिए आपको ये फिगर दिखाया गया है आगे, ये जिसमें आपको दिखाया गया है बर्ड एंड फ्लावर। तो ये वाला पार्ट जो है ये बर्ड है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये इस तरह का बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। दीज आर द पेटल्स। ये जो आपको दिखाई गई है पेटल्स दिखाई गई हैं, ये जो कलरफुल पार्ट है ये आपका पेटल है। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो अलग अलग फूलों के जो हैं पेटल्स जो होते हैं, पंखुड़ियाँ जो होती हैं, वो अलग अलग कलर की होती हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज बंड। तो आप क्या देख रहे हो कि जो पेटल्स हैं वो एक बंद इसमें बर्ड में कहाँ है, जो पेटल्स है वो अंदर की साइड है ना, रेड कलर में ये अंदर की साइड है। विच इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ बर्ड, कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है बर्ड का वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट क्या होता है बर्ड का, कौन सा होता है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या आपने ये चीज़ फील की है, महसूस की है कि जो ये पार्ट होता है ये आपका छोटे पत्ती के आकार की संरचना से बना हुआ होता है। दे आर कॉल्ड सैपल्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको सैपल्स कहा जाता है, इनको सैपल्स कहा जाता है। टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सैपल। आपने एक फ्लावर लेना है और उसके पेटल और सैपल को ऑब्जर्व करना है अच्छे से। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और अब ऑब्जर्व करने के बाद जागी क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर देने। फर्स्ट है हाउ मैनी सैपल्स डज इट है, तो बताना है कि कितने सैपल्स हैं इसमें, एंड फिर बताना है आर दे जॉइंट टुगेदर, क्या वे सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वट आर द कलर्स ऑफ पेटल्स एंड द सैपल्स, कि जो पेटल का जो कलर है वो क्या है एंड सैपल्स का कलर क्या है। तो पेटल का कलर आपको पता है पिंक है, और सैपल का कलर क्या है हमारा ग्रीन है। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, कि जो फ्लावर है ये रोज़ का जो फ्लावर है इसमें कुल कितने पेटल हैं, कितने होते हैं टोटल। आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, कि वो सारे जो पेटल्स हैं आप इसके फ्लावर के वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर सेपरेट है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। टू द फ्लावर्स विद डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सैपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर, कि जो फ्लावर्स हैं विद जॉइंट सैपल, जिनमें सैपल जो है जॉइंट है वो फ्लावर जो हैव पेटल्स, क्या उनमें भी पेटल्स होते हैं दैट आर सेपरेट, जो कि सेपरेट हों। ठीक है, ऐसे फ्लावर जिनमें सैपल जुड़े हुए हों, क्या उनके जो पेटल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं और दे हैव जॉइंट टुगेदर, और या फिर उनके जो पेटल्स हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉल क्लास टेबल 7.3। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम ए फील्ड ट्रिप टू ए लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स। तो आपने क्या करना है, फिल द टेबल, टेबल को आपने फिल करना है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको उस टेबल को फिल करना है। ऑफ द वॉल क्लास एड ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है टू दिस टेबल, इस टेबल के अंदर। फ्रॉम ए फील्ड ट्रिप, एक फील्ड ट्रिप से टू ए लोकेलिटी वेयर, और उस जगह तक जहाँ पर कोई रह रहा हो, देर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स, जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर जो प्लांट्स हैं फूलों वाले प्लांट्स होंगे वहाँ तक। फिल द लास्ट टू कॉलम लेटर, और जो लास्ट के दो कॉलम हैं उनको आपने बाद में फिल करना है। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के अंदर वाले पार्ट को देखने के लिए, क्लियरली अच्छे से देखने के लिए, यू हैव टू कट इट ओपन, आपको इसको खोल करके कट करना होगा, काटना होगा। इफ़ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, अगर इसके पेटल्स जो हैं जुड़े हुए हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल इन दतूरा, जैसे कि दतूरा में होता है एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर, और जो बेल शेप के फ्लावर होते हैं, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड, जो पेटल है उसके लेंथ वाइज आपको उसको कट करना होगा और उसको स्प्रेड करना होगा, द पेटल्स हैव टू बी कट, ठीक है, आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, ताकि क्या है उसका जो अंदर वाला पार्ट है वो इजीली आप उसको देख पाओ, क्लियरली देख पाओ, रिमूव द सैपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, और आपने सैपल और पेटल को रिमूव करना है और अदर पार्ट्स को देखने के लिए उस फ्लावर के, स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, आपने स्टडी करना है फिगर को जो आपको आगे दिया गया है 7.22 में, ठीक है, जैसे दिखाया गया है आपको, ये रहा पार्ट, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इसको केयरफुली आपने चेक करना है, कंपेयर योर फ्लावर, आपने अपने फ्लावर को कंपेयर करना है विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टैमंस एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर, और आपने उनमें क्या है स्टैमन वाला पार्ट और पिस्टिल को ढूंढना होगा, यानी कि मेल पार्ट को और फीमेल पार्ट को आपको उसमें पता करना होगा कि कौन सा है, लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली, आपने फिगर 7.23 को केयरफुली ध्यान से देखना, 7.23 जो है ये आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको ध्यान से देखना क्या कहा गया आगे, इट शोज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैमंस, इसमें क्या है अलग अलग प्रकार के स्टैमन दिखाए गए हैं, दिखाए गए हैं ना बिल्कुल, ये किसी और टाइप का है, ये किसी और टाइप का है, ये तो चारों क्या है ये अलग अलग टाइप के जो है आपको स्टैमन दिखाए गए हैं, स्टैमंस प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग प्रकार के स्टैमन जो होते हैं, कैन यू रिकोगनाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टैमंस इन योर फ्लावर, क्या आप अपने फ्लावर के स्टैमन में दो पार्ट्स को रिकोगनाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो कि कौन सा वाला पार्ट क्या है, हाउ मैनी स्टैमंस आर देयर इन योर फ्लावर, और आपके फ्लावर में कितने स्टैमन हैं, ड्रो वन स्टैमन एंड लेबल इट्स पार्ट, आपने एक स्टैमन को ड्रॉ करना है और उसके नाम के बारे में बताना है, उसके पार्ट्स के बारे में बताना है, देखो जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं ये हमारे क्या है एंथर है, ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा फिलामेंट, ठीक है, और ठीक है, तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्टैमन, आगे देखिए 7.21 में दिखाया गया ए बेल शेप्ड फ्लावर, तो आपका ये है बेल शेप्ड का फ्लावर है ये आपका जो दिखाया गया है यहाँ पर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में दिखाया गया है जो स्टैमन क्रीम कलर, जो ये है आपके स्टैमन कलर का है जो क्रीम कलर में दिखाया गया है, और येलो कलर में आपका एंथर दिखाया गया है, जबकि ये जो पीच वाला पार्ट है ये आपका पिस्टिल है, ठीक है, जो आपका फीमेल पार्ट होता है ये आपका एंथर एंड जो फिलामेंट है स्टैमन है, एंथर एंड स्टैमन जो आपका मेल पार्ट है, जबकि जो पिस्टिल है आपका ग्रीन कलर में ये आपका फीमेल पार्ट है जहाँ पर ओवेरी होती है, ऑलराइट, तो आगे देखिए द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल, जो बिल्कुल अंदरूनी पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम पिस्टिल बोलते हैं, इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आप इसको अच्छे से नहीं देख पाते, रिमूव द रिमेनिंग स्टैमन, तो आपने जो बाकी के जो स्टैमन्स हैं उनको रिमूव करना होगा, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल, और तब आपने पिस्टल के पार्ट को आइडेंटिफाई करना होगा कि पिस्टल में क्या क्या पार्ट है, विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24, जब आपको 7.24 दिए गए हैं पार्ट्स ऑफ ए पिस्टल, तो देखिए इसी तरह से ये ओवरी होती है, ये स्टिग्मा दिखाया गया है, ये स्टाइल होता है, ठीक है, तो ये हमारे फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर के, ड्रो ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर, तो आपने जो फ्लावर लिया है चेक करने के लिए आपने उसी का एक लेबल डायग्राम बनाना है, बिल्कुल साफ सुथरा डायग्राम बनाना है, तो देखिए आगे एक्टिविटी है 11 एक्टिविटी में क्या कहा गया है, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी, तो चलो अब हम ओवेरी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें इट इज़ अ लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ पिस्टल, जो ये क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसका जो है फूला हुआ पार्ट होता है लोअर मोस्ट, बिल्कुल नीचे वाला फूला हुआ पार्ट होता है, वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी वट इज़ इनसाइड, और हम इस पार्ट को कट करते हैं जानने के लिए कि इसके अंदर क्या है, लुक एट फिगर 7.25, आपने फिगर 7.25 ए एंड बी में को अच्छे से देखना है,
टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवेरी ऑफ ए फ्लावर, तो देखिए आपको आगे दिया गया है 7.25 पार्ट ए एंड बी, तो आपने कैसे इसको कट करना है, या तो दो तरह से आपको बताया गया, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो आप किस तरह से इसको कट करोगे इसके अंदर वाले पार्ट को देखने के लिए, कट द ओवेरी इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 7.25। तो जो 7.25 में जो फिगर दी गई है, इस तरह से आपने दो तरीके से उसको ओवेरी को कट करना है, टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग, और उनको सूखने से बचाने के लिए, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द टू पीसेज ऑफ द ओवेरी, आपको दोनों ओवेरी के दो टुकड़ों के ऊपर क्या है, पानी डालना है, पानी की बूंदी डालनी है, यू हैव कट जिनको आपने काटा है, ठीक है, ताकि वो सूखे ना। देखो फिगर में दिखाया गया है इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवेरी, जो अंदरूनी पार्ट होता है ओवेरी का, वो आपको शो किया गया है। वहाँ पर क्या होते हैं, हमारे ओव्यूल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल जो है, ये हमारा ए वाला पार्ट है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, और ये हमारा ट्रांसवर्स जो होता है, जो हॉरिजॉन्टली किया जाता है, वर्टिकली होता है लॉन्गिट्यूडिनल, और जो हॉरिजॉन्टली होता है वो आपका होता है ट्रांसवर्स। तो इस तरह से दो तरह से हम आप फ्लावर को काट सकते हैं, इसके ओवेरी पार्ट को, पिस्टल पार्ट को। तो आगे देखिए, ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ द ओवेरी, तो आपने जो इनर पार्ट है ओवेरी के, उसको ऑब्जर्व करना है अच्छे से यूजिंग ए लेंस, एक लेंस की हेल्प से। डू यू सी सम स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, तो क्या आप उसमें स्मॉल छोटे छोटे बीड के तरह के आप उसमें स्ट्रक्चर देख पाते हो, इनसाइड द ओवेरी, ओवेरी के अंदर, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, इनको क्या कहा जाता है, इनको ओव्यूल्स कहा जाता है। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवेरी इन योर नोटबुक, आपने क्या करना है, नोटबुक में ओवेरी का पार्ट ओवेरी बनाना है, और उसके अलग अलग पार्ट को शो करना है, लेबल करके दिखाना है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन, तो आपने जितना ज़्यादा हो उसके उतने फ्लावर के पार्ट नेम्स को याद करने और बताना है कि कौन कौन से होते हैं, फाइंड आउट करना है, पता लगाना है कि कौन कौन से फ्लावर होते हैं, और ये आप करोगे अपने गार्डनर की हेल्प से या फिर किसी भी अदर पर्सन की हेल्प से। रिमेंबर नोट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड, और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जितने फ्लावर चाहिए अब उससे ज़्यादा फ्लावर कभी ना तोड़े, ठीक है। बेस्ड ऑन वट यू हैव फिल्ड द इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपने आंसर करना है जो आगे दिए गए क्वेश्चन है किसके बेस पे, जो आपने पहले टेबल फिल की थी 7.3 उसके बेसिस पे। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स पेटल्स स्टैमन्स एंड पिस्टल, कि क्या हर एक फ्लावर में सेपल पेटल स्टैमन और पिस्टल होता है, जरूरी नहीं है। आर दीज फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, क्या ऐसे कोई फ्लावर होते हैं जिनमें इनमें से एक या दो चीज़ें जो है नहीं होती। आर दीज फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर दैन दीज, क्या ऐसे भी कोई फ्लावर है जो इनके अलावा भी पार्ट्स होते हैं जिसके, ठीक है। तो आपने बताना है इनके क्वेश्चन, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे सेशन के बाद। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स और पेटल्स, क्या आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है, ऐसा फ्लावर देखा है जिसमें क्या है, विच हैज़ नो डिफरेंस, जिसके जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता सेपल्स में और पेटल्स में, यानी कि उसका पेटल भी और सेपल भी एक ही तरह का दिखाई देता है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टैमन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल, तो क्या आपने कोई ऐसा फ्लावर देखा है जिसमें जो नंबर होता है स्टैमन का वो डिफरेंट अलग होता है नंबर ऑफ पेटल्स से, ठीक है। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम, तो क्या आप इस चीज़ से एग्री कर रहे हो, इस चीज़ को मान रहे हो कि जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। द नंबर ऑफ सेपल्स पेटल्स स्टैमन्स एंड पिस्टल्स मे ऑल्सो बी डिफरेंट, कि जो नंबर है पेटल के सेपल के स्टैमन्स के और पिस्टल्स के वो आपके अलग अलग हो सकते हैं, हर एक प्लांट में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, हर एक फ्लावर में अलग अलग हो सकते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स मे इवन बी एबसेंट एट ए टाइम, और इनमें से कुछ पार्ट क्या है एक समय पर, निश्चित समय पर क्या हो सकता है, एबसेंट हो सकता है, अनुपस्थित हो सकता है। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लीव्स, तो हम यहाँ पर कुछ फीचर्स को पढ़ चुके हैं
और लीव्स के बारे में, लीव्स के फंक्शन को भी पढ़ चुके हैं। स्टेम्स एंड रूट्स, स्टेम के बारे में और रूट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर, हम अलग अलग फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेस, तो अब हम बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में हम इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो फ्लावर है उसका फंक्शन क्या होता है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, और हम फ्रूट के बारे में भी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो देखिए हमने की वर्ड्स हैं जो हमने इस चैप्टर से जाना है वो है, क्लाइंबर्स के बारे में जाना है हमने, क्लाइंबर क्या होते हैं, कंडक्ट, क्रीपर्स क्या हैं, फाइब्रस रूट्स कैसी होती हैं, हर्ब्स क्या हैं, लैमिना क्या है, लेटरल रूट, मिड रिब, ओव्यूल, पैलर वेनेशन, पैटल, पैटियोल, फोटोसिंथेसिस, पिस्टिल, रेटिकुलेट वेनेशन, सैपल, श्रब, स्टैमन, टैप रूट, ट्रांसपिरेशन, ट्रीज एंड वेन्स। सो के स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल फॉर टूडे सेशन। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम क्लास 6। सो टिल देन, इफ यू लाइक माई एफर्ट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।